भारत के अधिकतर शहरों की हवा प्रदूषित हो चुकी है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि प्रदूषित हवा में दिन भर रहना कई सिगरेट पीने के बराबर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा किस स्तर तक दूषित हो गई है। ये हवा थोड़ी खराब नहीं बल्कि इतनी खराब हो चुकी है जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है। वैसे अधिकतर लोग प्रदूषित हवा से बचने के उपाय को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही होती है। आइए प्रदूषित हवा के कारण होने वाली 5 गंभीर बीमारियों के बारे में जानते हैं। वायु प्रदूषण से दिल की बीमारियां हो सकती हैं, असंतुलित धड़कन, हार्ट फेल होना और हाइपरटेंशन है, सांस लेने में तकलीफ, गले में और सीने में दर्द आदि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदूषित हवा में अधिक दिक्कत अस्थमा के रोगियों को होती है। अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जिसमें मानव शरीर के श्वसन मार्ग में सूजन हो जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्थमा से ग्रसित व्यक्ति को ताजी और साफ हवा की जरूरत होती है। लंग कैंसर का प्रमुख कारण दूषित हवा को माना जाता है। हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें क्षतिग्रस्त भी करते हैं, जिससे हमारे फेफड़े सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। प्रदूषित हवा में मौजूद वो तत्व भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं जो निमोनिया का कारण बन जाते हैं। प्रदूषित हवा में लगातार सांस लेने से ये बीमारी घातक और जानलेवा हो सकती है। प्रदूषण का असर सीधे हमारी किडनी पर भी पड़ता है। प्रदूषित हवा में मौजूद कार्बन प्रदूषक के सांस के साथ अंदर जाने का खतरा रहता है, जिससे हमारी किडनी के डैमेज होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।